हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग और इसकी सिलाई बताने वाली हूं। तो देख सकते हैं ये मैंने बैक पार्ट तैयार कर लिया है। इसमें का आज हम देखिए फ्रंट पार्ट बनाना सीखेंगे। ये बोट नेक में रहेगा और फ्रंट में देखिए कट वर्क हम डिजाइंस बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा इसको बनाने का मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने देखिए चेस्ट का 1/4 और प्लस यहाँ पे 3 साढ़े 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े को देखिए इसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी आपकी लंबाई हो तैयार लंबाई उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए हम यहाँ पे इसे सीधा करेंगे। अब देखिए शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो अगर आपने ब्लाउज से मेजरमेंट लिया है तो शोल्डर का हाफ और प्लस सिलाई के लिए लेते हुए इसे निशान लगाइएगा। और बॉडी मेजरमेंट पे हो तो जितना शोल्डर हो सिर्फ उसका हाफ हम यहाँ पे लेंगे, मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए 7 इंच लिया है और उससे ½ इंच कम देखिए हम यहाँ पे आर्म होल रख लेंगे और ऐसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। तो ये 9 इंच और प्लस ये 2 इंच मार्जिन रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा फैब्रिक, और 1 इंच मैंने लिया है सिलाई के लिए। उसी प्रकार देखिए कमर का 1/4 लेंगे, 7.5 इंच और प्लस 3 इंच, और उसके बाद ये 2 इंच मार्जिन के लिए। अब देखिए दोनों ही निशान को ऐसे मिला लेंगे। तो इस निशान पे देखिए कटिंग होगा और फिटिंग इसके 2 इंच अंदर की तरफ होगा। अब देखिए यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले की विड्थ मैंने 3.5 इंच लिया है और लंबाई ये 3 इंच लेते हुए देखिए इसको ऐसे सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसे बोटने का शेप दे देंगे। देखिए चौड़ाई और लंबाई आप चाहें तो अगर ज़्यादा ब्रॉड पहनते हैं तो थोड़ा ½ इंच बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट है। तो हम यहाँ पर 1 इंच अंदर के साइड में निशान लगाएंगे आर्म होल के गहराव करने के लिए, और इसको देखिए ऐसे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद कॉर्नर से लगभग 1 इंच लेते हुए देखिए ऐसे गोलाई करेंगे। तो ये फ्रंट का आर्म होल हो गया। थोड़ा सा आप यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए। देखिए चेस्ट का 1/4 और प्लस ये 2 इंच मार्जिन, और 1 इंच मैंने लिया है प्रिंसेस कट ब्लाउज में जो सिलाई आता है उसके लिए। और फिर कमर में देखिए कमर का 1/4 और प्लस 3 इंच, और उसके बाद ये 2 इंच मार्जिन के लिए। अब देखिए सेम निशान पे ऐसे कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले देखिए हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो 9.5 इंच बस्ट पॉइंट है, तो ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए ऐसे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए हम चेस्ट का 10वां भाग लेंगे, लगभग 3.25 इंच आएगा, और फिर ½ इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो टोटल 4.25 इंच, और यहाँ पे हम देखिए उससे 0.25 इंच कम लेंगे। तो ये मैंने लिया है देखिए 3.5 इंच। अब देखिए दोनों निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेंगे और ऊपर की तरफ देखिए ऐसे हल्का सा राउंड शेप करते हुए मिलाएंगे। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे जो 3 इंच लिया था इसमें से यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो अगर देखिए छोटा साइज है तो 2 इंच लीजिएगा टक्स के लिए। ये मैं रख रही हूँ 2.5 इंच, क्योंकि अगर देखिए बस्ट का साइज के हिसाब से लगता है। अगर बस्ट का साइज छोटा हो तो 2 इंच भी ले सकते हैं, और अगर बड़ा हो तो 2.5 इंच या 3.25 इंच भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए इसको ऐसे प्रिंसेस कट के शेप देते हुए इसको ऐसे मिला लेंगे राउंड शेप में, और ऊपर की तरफ भी यानी कि आर्म होल के पास भी लगभग 1/4 इंच हम यहाँ पे ऐसे गैप छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग कर देने से आर्म होल के पास ये अच्छी फिटिंग आता है और फैब्रिक लूज नहीं पड़ता। उसके बाद देखिए ऐसे नीचे से हम तिरछे में कटिंग करेंगे। अगर आपने बैक पार्ट की कटिंग किया है तो साइड से बैक पार्ट को नापते हुए देखिए ऐसे मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए समझिए जो हमने 1 इंच लिया था वो यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, और नीचे की तरफ जो हमने 3 इंच लिया है वो देखिए यहाँ पे जाएगा। जैसे ये 2.25 इंच का टक्स हो गया, 2.5 इंच का, और दोनों साइड से देखिए हम सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई में चला जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो 3 इंच नीचे भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे डबल करते हुए रखेंगे और लाइनिंग को इसके ऊपर रखते हुए देखिए ऐसे सेम बराबर कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं कटिंग हो गया। अब देखिए दोनों को हम एक साथ अटैच करेंगे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। तो ये मैंने गम लिया है यानी कि फेविकॉल की मदद से देखिए मैं यहाँ पे ये दोनों को अटैच कर लेती हूँ। आप चाहें तो सिलाई करके भी अटैच कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर ऐसे रखने के बाद अगर कपड़े को आपने पहले आयरन नहीं किया है तो आयरन कर लीजिएगा, और नहीं तो सीधा हो तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखिए गम की मदद से आप बहुत ही आसानी से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर सकते हैं। एक देखिए ये अच्छे से सेट हो जाता है 1-2 मिनट के बाद, और अटैच करने के बाद देखिए लाइनिंग जो यानी कि जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाता है लाइनिंग से, उसको देखिए ऐसे कट करके हम बराबर कर लेंगे। तो लाइनिंग अटैच हो गया। अब देखिए सिलाई करेंगे, तो सिलाई करने से पहले हमें गले पे कट बनाना है। तो पहले हम देखिए इसकी कटिंग बकरम पे करेंगे। तो चौड़ाई देख लेंगे, जितनी चौड़ाई है उतना ही देखिए इसे बकरम की चौड़ाई लेते हुए देखिए मैंने कट कर लिया है, और लंबाई भी मैंने उतना ही रखा है 7 इंच। अब देखिए पहले इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो जितनी आपकी देखिए तैयार विड्थ है गले की उतना पे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो मुझे देखिए 7 इंच ही रखना है तैयार, और लंबाई मैंने यहाँ पे देखिए 3.5 इंच लिया है। इसको देखिए ऐसे सीधा करते हुए मिला लेंगे और इस प्रकार देखिए ऐसे गले का शेप दे देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे कट बनाना है, तो कट की लंबाई मैं 2.5 इंच रखूँगी। तो पहले देखिए हम इसकी कटिंग यानी कि इसका जो शेप है पेपर पे कटिंग कर लेंगे। तो पेपर को मैंने यहाँ पे देखिए डबल करते हुए रख लिया है, और लंबाई जैसे कट का लंबाई 2.5 इंच का रखना है तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको ऐसे तिरछे में मिला लेंगे, और फिर इस प्रकार देखिए ऐसे गोलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इसी शेप में हमें यहाँ पे कट बनाना है। तो इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, फोल्डेड साइड की तरफ देखिए इसको ऐसे डबल करते हुए रखेंगे और इस प्रकार किनारे किनारे निशान लगा लेंगे। फिर इसको देखिए यहाँ पे ऐसे इसको ओपन कर लेंगे और लगभग 2 इंच की दूरी पे देखिए इसको सेट करेंगे। तो देखिए 2-2 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगा लिया है। यहीं पे इस पैटर्न को रखते हुए किनारे से निशान लगा लेना है ऐसे, और इसकी जो बीच की दूरी है देख लेंगे, ऐसे नाप लेंगे ताकि ये बराबर रहे, कम ज़्यादा ना हो। देख सकते हैं एक साइड में निशान लग गया। इसी प्रकार देखिए इसे दूसरे साइड में यानी कि इधर भी हम सेम निशान लगा लेंगे। अब देखिए ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो जो निशान है देखिए यहाँ पे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ते हुए ऐसे कटिंग करेंगे, और नीचे की तरफ भी जो डिज़ाइन हमने बनाया है उसे लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए ऐसे गोलाई में कटिंग कर लेंगे। तो पेस्टिंग पे कटिंग हो गया। इसको देखिए ऐसे रखेंगे लाइनिंग के ऊपर, जो चिपकने वाला साइड है उसको देखिए ऐसे नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर आयरन कर लेंगे, तो ये इसमें अटैच हो जाएगा। अब देखिए जो हमने चौक से यहाँ पे निशान लगाया है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है और थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो पहले मैंने यहाँ पे देखिए पेन से ये ड्रॉ कर लिया है, ताकि इसी निशान के ऊपर हम सिलाई करेंगे। इसके बाद देखिए नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पेस्टिंग से, सबको देखिए ऐसे अंदर की तरफ करते हुए किनारे पर सिलाई करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और फिर इस प्रकार देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब देखिए इसको यहाँ पे गले के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे सेंटर में, और इस प्रकार पहले देखिए यहाँ पे हम किनारे किनारे सिलाई करेंगे। जो पेस्टिंग है बिल्कुल उसके किनारे पे एक सिलाई करते हुए इसको देखिए इसमें अटैच कर लेंगे, और इसके बाद ये जो निशान हमने लगाया है देखिए उस निशान के ऊपर ऐसे सिलाई करेंगे। देखिए जहाँ पे ये डिज़ाइन से जुट रहा है यहाँ पे ऐसे बीच में थोड़ा सा हम गैप छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल 1 से 2 पॉइंट आप गैप रखिएगा, क्योंकि वहीं से हम इसको कट करके निकालेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। इसी प्रकार देख सकते हैं ये मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब देखिए जितना ये फैब्रिक एक्स्ट्रा है डिज़ाइन से सबको यहाँ पर ऐसे हम कट करके निकाल देंगे। देखिए यहाँ से भी इसको ऐसे कट करेंगे, जो बीच में हमने गैप रखा है वहाँ से इसको ऐसे देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो जो पूरा डिजाइन है देखिए सब में सिर्फ सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है देखिए सबको हम इसी प्रकार कट करते हुए निकाल देंगे। और कट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसे पूरी गोलाई में ऐसे देखिए छोटा छोटा कट लगाएंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से, जो सिलाई है वो नहीं कटना चाहिए। अगर कट जाता है इस प्रकार कट लगाते समय धागा कट जाए तो उसके ऊपर आप यहाँ पे डबल सिलाई लगा दीजिएगा। इसके बाद इसको आप सीधा कीजिएगा। देख सकते हैं कट लग गया। अब हम इसको ऐसे देखिए सीधा कर लेंगे। दोनों साइड का कॉर्नर अच्छे से बाहर की तरफ करेंगे। देख सकते हैं मैंने छोटा वाला पेचकस लिया है, इसी की मदद से देखिए कॉर्नर को सीधा कर लूँगी। देख सकते हैं इस प्रकार सबको सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर ऐसे किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। सिलाई करने के बाद देखिए हम यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेंगे गले को। तो ये मैंने मोती लिया है, देखिए थोड़ा बड़ा वाला मोती लेंगे और इसको देखिए ऐसे बीच में डिजाइंस के बीचों बीच इसको अटैच कर लेंगे। तो चार फोल्ड करते हुए धागा लगाइएगा, देख सकते हैं, और जो मोती है गले के बीचों बीच रखते हुए अच्छे से बांधेंगे ताकि ये ना खुले। देख सकते हैं इसी प्रकार मैंने पूरे गले में ये मोती अटैच करते हुए देखिए गले को तैयार कर लिया है। अब देखिए प्रिंसेस कट का ये जो साइड वाला पार्ट है यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसको नीचे से इसे बराबर रखते हुए जॉइंट करेंगे और जितना आपने मार्जिन लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है, तो 2 पॉइंट पकड़ते हुए देखिए इस प्रकार पूरे में सिलाई लगा लेंगे। किसी भी पार्ट को देखिए खींचना नहीं है, अच्छे से ऐसे रखते हुए सिर्फ सिलाई लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ खुद पे खुद देखिए ऐसे बराबर हो जाता है। दोनों साइड का पार्ट देखिए मैंने इसमें जॉइंट कर लिया है। अब देखिए नीचे की तरफ हम फोल्डेड पट्टी जॉइंट कर लेंगे। तो लगभग 2 इंच चौली पट्टी मैंने कट किया है, इसको देखिए ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच पकड़ते हुए देखिए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। यानी कि नीचे की तरफ देखिए हम फोल्डेड पट्टी तैयार करेंगे, तुरपाई वाली पट्टी। तो ये जो पट्टी है देखिए पूरा पट्टी ऐसे अंदर की तरफ करते हुए तुरपाई लगाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मोटा वाला सिलाई कर देती हूँ। तुरपाई लगाने के बाद देखिए इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। गले का शेप आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बैठा है और इसकी जो फिटिंग है देखिए पहनने के बाद बहुत ही सुंदर आएगा। तो इस प्रकार आप बनाइए और ट्राई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। देखिए पूरा तैयार करने के बाद ये ब्लाउज कुछ इस प्रकार दिखिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।